नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल सच्चे देशभक्त के माध्यम से एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने नेशनल ब्लाइंड एंड डेफ जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। जानकी के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पहले एक बार जरा मध्य प्रदेश के इन आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 38,947 मामले बलात्कार के दर्ज किए गए थे। अब तक का रिकॉर्ड यही कहता है कि इस शहर में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में खुद और दूसरी लड़कियों को अपनी रक्षा करने की सीख देने का जिम्मा उठाया जानकी गौड़ ने, और जो कि ये एक आश्चर्य की बात है। जानकी आंखों से देख नहीं सकती, इसके बावजूद वो 2017 में नेशनल ब्लाइंड एंड डेफ जूडो चैंपियनशिप की विजेता बनी। उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन प्रतियोगिता में वो तीसरे स्थान पर रही, जो कि बेहद कमाल की बात है। करीब 5 वर्ष की उम्र में मैसलेस नाम के वायरस से ग्रसित होने के कारण जानकी की आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके बाद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या उसका दिव्यांग होना नहीं था, बल्कि सवाल यह था कि जिस शहर में आए दिन लड़कियों का रेप होता रहता है, वहाँ वो खुद को सुरक्षित कैसे रखेगी। घर से बाहर कदम रखते ही वह खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। इस दौरान साइट सेवर नामक गैर सरकारी संस्था ने लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने की पहल की, और 2010 के कार्यक्रम में उन्होंने जानकी से संपर्क किया। CNN को दिए इंटरव्यू में प्रोग्राम के मैनेजर जयश्री कुमार ने बताया, क्षेत्र में रहने वाली दिव्यांग लड़कियों के मन में खुद की सुरक्षा को लेकर इतना डर था कि वह घर से बाहर निकलने में डरती थी। इसलिए हमने सेल्फ डिफेंस और जूडो का प्रशिक्षण देना शुरू किया ताकि वो बिना डरें खुद की रक्षा कर सकें। वहीं इस मामले पर जानकी का कहना है कि मेरे गांव में ब्लाइंडनेस के कारण मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि दिक्कत यह थी कि कई बार घर से बाहर निकलते वक्त मेरे साथ कोई नहीं होता था, तो कई लोग मौके का फ़ायदा उठाकर चले जाते थे और अफसोस में उन्हें पहचान भी नहीं सकती थी, लेकिन जूडो ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हम जानकी गौड़ के इसी जज्बे को सलाम करते हैं कि भारत देश में आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरों के लिए एक उदाहरण हैं, जो ये बताती हैं कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। अगर लड़कियां अपने मन में आत्मरक्षा का संकल्प धारण कर लें तो वो किसी को भी टक्कर दे सकती हैं। यही बात हमें जानकी गौड़ से सीखने को मिलती है, और हम यही कोशिश करेंगे कि भारत देश का हर नागरिक, हर महिला इस जानकी गौड़ के शौर्य को सलाम करे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे ही व्यक्ति विशेष के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते रहें। जय हिंद, जय भारत।